आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। मैंने प्रॉपर पूरे नोट्स दे दिए हैं आप लोगों को आज हम, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने करने के लिए। कुछ बच्चों में से सिर्फ मुझे एक दो ही बच्चों ने दिखाए हैं और किसी ने मुझे वो क्वेश्चंस नहीं दिखाए। ठीक, तो इस बार मैं जब वीडियो स्टार्ट होगी, जब क्वेरी होगी, मतलब जब क्वेरी चल रही होगी, तो सबसे पहले तो मुझे वो क्वेश्चंस देखने हैं जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। सबके होने चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछो, ठीक है? और नहीं आता तो पूछो, और आता है तो करके दिखाओ, क्योंकि लापरवाही करोगे तो बोर्ड नहीं फेस कर पाओगे। अब हम क्या करेंगे, आज जो उसी के आपको पता ही है, 9th में मैंने पढ़ाया है कि मैं चैप्टर पहले आपको नोट्स देती हूँ, फिर उसके बाद इनसाइड और आउटसाइड के क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। ठीक है, तो मैं इनसाइड भी कराऊंगी, आउटसाइड भी कराऊंगी, और आपके बेसिक क्वेश्चन अलग भी करवाऊंगी, मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी करवाऊंगी, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड है तो हमें ज़्यादा कवर करना है चीज़ों को। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कुछ न्यू पोर्शंस है, हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, और आप लोगों को भी एक्स्ट्रा मेहनत देनी है। अब आज हम पढ़ेंगे इनसाइड क्वेश्चंस। कैसे, नंबर वन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इन्होंने कहा क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं, क्या एयर बर्निंग इन एयर, एयर में जला के जब उसे हीट करने से पहले। देखो क्या होता है, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, लाइक सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, इनकी तरह। व्हेन इट एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ इट्स सरफेस, सरफेस के ऊपर। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्विट स्टेबल, थोड़ी सी क्या, थोड़ी देर के लिए वो स्टेबल होती है, रुकती है, एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। फिर से क्या होता है, वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर, इसके द्वारा होता है, सैंड पेपर के द्वारा उसे क्लीन कर देते हैं। टू रिमूव दिस लेयर, उस लेयर को रिमूव कर देते हैं, सो दैट द अंडरलाइनिंग मेटल कैन बी यूज फॉर रिएक्शन। इस तरीके से क्या करते हैं हम, किसका, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात, पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बैलेंस रिएक्शन है, हाइड्रोजन की क्लोरीन से कराएंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है, H2Cl2 2HCl। क्लियर, दोनों HH हैं, दोनों H है, 2 है, दोनों के दो दो मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हमने इधर 2 लगा दिया है। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, पहले देखते हैं सिर्फ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी जो बी ए है वो किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। ठीक है, देखो BSO4 और एल के 2 हैं और Cl के भी 2 हैं। ठीक है, तो पहले तो ऐसे तो हो नहीं सकता, 2AlCl ऐसे तो बनेगा नहीं ना, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम जब Cl के साथ मिलता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3। आप देखेंगे यहाँ पे Cl कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ कितने हैं, 2, तो बैलेंस करने के लिए कितने लगा देंगे, 3, और इधर कितने लगा देंगे, 2, 3 × 6 × 6। तो बेरियम कितने हो गए, 3, तो यहाँ पे भी हम 3 लगा देंगे, तो 3 Ba हो गए, और SO4 भी कितने हैं यहाँ पे, 3, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हम इधर आएंगे, सोडियम की वाटर के साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ईजी रिएक्शन है, सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और H2, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। फिर राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम और बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, देखो बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के सेम वैसी रिएक्शन है, बस यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट लिखा है, ध्यान रखना, वो वहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट लिखा है और यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिखा है, वहाँ पे Al2SO4 था का होल थ्राइस था, और यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है, और जब होल थ्राइस था तभी इधर 3 लगाए गए थे, वरना यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, तो ये बेरियम जो है इस सल्फेट के साथ चला जाएगा, और ये Na जो है इस Cl के साथ चला जाएगा, तो 2NaCl और क्या है BSO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो Na प्लस और H- प्लस माइनस, तो NaCl के साथ, और ये H इस OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। क्लियर, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग जो होती है ना, बताइए बताइए पेंट वेंट में उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। ध्यान रखना वाइट वॉशिंग में हम कौन सा एक एक्स एलिमेंट, एक एक्स सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट है इसका, राइट द, ये मैंने डेड डैश करके कर दिया है, आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग कर सकते हो, देख लो, देख लेना उसमें। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्जीलियसली, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत वर्जीलियसली रिएक्ट करता है विद द वाटर, वाटर के साथ, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सैक लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ये मैंने आपको पहले लिखवा रखा है, क्विक लाइम,
वाटर मॉलिक्यूल, जब देखो एच के दो हैं ओ के दो हैं तो क्या बन जाएगा, ओ एच का होल टू, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइन। वाई इज दी डैश इन दिस गैस, क्वेश्चन आई एम नॉट हैव कैन। इस क्वेश्चन में ये था कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिविटी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ब्रेक होते हैं और क्या होता है, तो वह है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस, अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस है ठीक है, ये रही इलेक्ट्रोलिसिस, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इलेक्ट्रोलिसिस तो कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें टूटेगा एच प्लस और सी, वो एच प्लस और ओ एच माइनस में, तो तुम्हें पता एक प्लस का और एक नेगेटिव का, तो ओ एच माइनस किधर जाएंगे इधर और एच प्लस किधर जाएंगे इधर, तो वही है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गेट सेपरेटेड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, सेपरेट हो जाता है बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इसके द्वारा हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी लाइट के द्वारा, क्योंकि करंट दे रहे हैं ना, वोल्ट दे रहे हैं इसमें। वाटर कंटेन्स टू पार्ट, दो भागों में मिलता है हमें वाटर, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ठीक है, टू पार्ट हाइड्रोजन के और वन पार्ट ऑक्सीजन के, कैसे, H2O है ये टूटेगा हो जाएगा 2H प्लस और O 2 माइनस, तो वन पार्ट, दो पार्ट किसके हैं OH के और वन पार्ट किसका है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, एंड ऑक्सीजन गोज अनदर, ऑक्सीजन को किस में लेंगे, अनदर उसमें लेंगे टेस्ट ट्यूब में। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन, तो अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, किसी अदर अनदर टेस्ट ट्यूब में इन डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, दोनों में अदर अदर होना चाहिए ठीक है, तो दोनों में अलग अलग हमें टेस्ट ट्यूब डबल में प्राप्त हो गई, एक में हाइड्रोजन गैस मिल गई और एक में हमें ऑक्सीजन मिल गई। फिर है व्हाई डज डिप इन इट, व्हेन एन आयरन नेल, जो आयरन की छड़ी होती है इस डिप इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन लिखवाइए बेटा, मैंने याद करो मैंने कहा था कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन जो है कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है और जाके खुद सल्फेट के साथ अटैच हो जाता है, बताई थी ना रिएक्शन, तो व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन अ कॉपर सल्फेट सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन आयरन विच इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, आयरन मोर रिएक्टिव है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा, तो आयरन क्या करेगा, जो पावरफुल होता है वो छोटे वाले को क्या करता है, पटक देता है, तो इसने क्या किया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद जाके जुड़ गया ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देता है और जो FeSO4 है वो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, तो देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड द ग्रीन कलर अपीयर, अपना रंग खो के कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। गिव एन एग्जांपल एक्टिविटी 10, तो यह सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड, देखो कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है ये प्लस का ये नेगेटिव, ये प्लस का ये नेगेटिव, तो 2Na है 2Cl है तो 2NaCl हो गए, बचा क्या, कैल्शियम और कार्बोनेट जुड़ गया, सिंपल सी रिएक्शन थी। इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज, देखो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस, आयंस को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू एंड न्यू कंपाउंड्स, दो न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म कर देते हैं, हैंस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हो गई ना, क्योंकि एक बार डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है और एक बार किसका हो रहा है इसका, तो वो क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4Na+O2, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें बताना है हमें सोडियम इज ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज, देखो सोडियम क्या हो रहा है के साथ ओ जुड़ रहा है तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया और इट गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इट गेट्स रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा बाद में ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है और यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है सोडियम के साथ ऑक्सीडाइज एज इट गेन, क्योंकि कर रहा है गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन अपने आप को क्या करती है, रिड्यूस्ड करती है। मैंने आप लोगों को जब डिफरेंस बताए थे तो मैंने बोला था कि जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स भी रिड्यूस करती है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जैसे KMnO4 का बताया था कि जो KMnO4 होता है वो ऑक्सीजन को तो बढ़ाता है और अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस करता है ठीक है, वो खुद को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, वही है कॉपर। अब यहाँ देखो ये आपने पहले पढ़ी हुई है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, हटा रहा है, हटा दिया ना, और वाई हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो जुड़ रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से आपके ये इनसाइड के क्वेश्चन हैं, ये जितने हैं उतने कर लीजिएगा, और इसके आगे आपको मैं आउटसाइड के क्वेश्चन भी करवाऊंगी ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम हो दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और नहीं आता तो फिर मुझसे आप बार बार भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड बाय।